हमें कोई स्कूल कॉलेज नहीं बता रहा कि एक टाइम पे चावल और गेहूं इकट्ठा नहीं खाना चाहिए। हमें कोई बताता नहीं, इसलिए आज भारत में लोग बीमार हो रहे हैं। कैसा भी लीवर का रोग हुआ रिवर्स हो जाएगा। आटा मैदा आप याद करो, बारीक आटा बचपन में आप किस काम लेते थे? आप लेवी बनाने के काम में लेते थे, झंडी चिपकाते थे, अपनी किताब कॉपी चिपकाते थे। वो पतला आटा चिपकता है, इसीलिए चोकर वाला आटा खाने की बात होती है। और आटा पूरे साल खाने के लिए नहीं बना। गेहूं जो है वो 12 साल की आइटम नहीं है, लेकिन आज पूरा भारत गेहूं और चावल खा रहा है। और हमें कोई स्कूल कॉलेज नहीं बता रहा कि एक टाइम पे चावल और गेहूं इकट्ठा नहीं खाना चाहिए। एक पूरे 24 घंटे में एक अनाज खाना चाहिए। या तो गेहूं खाओ पूरा दिन, या चावल खाओ, या मक्की खाओ, या मिलेट्स खाओ। हमें कोई बताता नहीं, इसलिए आज भारत में लोग बीमार हो रहे हैं। मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, लीवर को ठीक करने का एक बहुत रामबाण नुस्खा, रोज का नियम से एक आंवला, रोज सुबह खाली पेट आंवले का मुरब्बा धोकर या आंवले का जूस पियो, ग्रीन जूस के साथ, जैसे पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई कोई चीज़ ले लो, कड़ी पत्ता या नीम का पत्ता कोई चीज़ ले लो, या मूली के पत्ते, गाजर के पत्ते, शलगम के पत्ते कोई ले लो, और साथ में एक आधा पत्ता पीपल, एक आधा पत्ता बरगद, या कोई भी पुदीना, धनिया, इन सब का जूस बना लो और उसमें आंवले का जूस निकाल दो। रोज एक गिलास पी लो 15 दिन तक, 90% लोगों का लीवर नॉर्मल हो जाएगा। और एक हल्दी का एक टुकड़ा रोज सुबह खाली पेट 32 बार चबाओ और फिर अंदर लो, टुकड़े को चबाते रहो, इतना चबाओ कि पानी बन जाए अच्छी तरह हल्दी, तब लो। कैसा भी लीवर का रोग होगा रिवर्स हो जाएगा। और लीवर के अंदर गन्ने का जूस, पुदीना और धनिया डाल के, नींबू निचोड़ के, अदरक डाल के रामबाण काम करता है। भाई राजीव दीक्षित जी के भारत को विश्व गुरु बनाने के सपने को पूरा करने के प्रयास में एशिया का पहला 1000 बेड का इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल शुद्धिग्राम हिम्स दिल्ली NCR मेरठ में खुल चुका है। इसके अलावा चंडीगढ़ डेराबसी, नवी मुंबई, लखनऊ, गुरुग्राम, अमृतसर, दिल्ली, लुधियाना और देश के अन्य कई स्थानों पर भी हिम्स अपनी सेवाएं दे रहा है। हर किडनी फेल पेशेंट, लिवर पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक ये वीडियो पहुंचाकर आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए।